जिसे जिसे हम जो है आज मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके पीछे सच्चाई यह है कि एक ऐसे महान व्यक्ति को मूर्ख घोषित किया गया, उनके उद्देश्य को भारत के अंदर दबाने की कोशिश की गई, और वो कोई दूसरा नहीं, वो महामानव है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एक एक जिसे हम थीसिस कहते हैं, वो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, जिस पर आपने देखा था जो बैंकों में जो लाइन लगी थी, ठीक है ना, वो वही किताब थी, वही थीसिस था, जिसके आधार पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस किताब का अध्ययन किया और उसके आधार पर करेंसी को चेंज किया गया, ठीक है। तो ये किताब लिखी गई और उसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारतवर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये बाबा साहब ने अपने हाथ से की थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष में यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। सर आज जो है वित्तीय वर्ष हमारा जो स्टार्ट हुआ नया, 31 तारीख को हमारा खत्म हो गया और आज हम नए वित्तीय वर्ष में हमारा जन्म हुआ है। अब इन सब चीजों को खत्म करने का एक तरीका है, महापुरुष के इतिहास को खत्म करने का तरीका है कि एक मूर्खों का दिवस मना दो और लोग उसमें लग जाएंगे, मूर्खों मूर्ख बनने में लग जाएंगे और मूर्ख बनाने में लग जाएंगे बस, और पूरा इतिहास खत्म। जिस जिस पर आपने देखा था कि लाइन लगी थी, 2000 का नोट बंद हुआ आपके सामने, पहले 2000 का नोट छापा गया, फिर 2000 का नोट बंद हुआ, ये सारा जो कारण था वो था एक ही उनका थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। और आज हम नए वित्तीय वर्ष में आज शामिल हैं, जहां पर हम सब लोग पैसा कमाने के लिए शामिल हुए हैं, हर हमारा जितना भी हमारा जो अकाउंट है वो नए वर्ष से आज काउंट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका और सभी साथियों का, ये मैं थोड़ी जानकारी उस विषय में देना चाह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, आज के आपके चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही है मेरे को। आज कुछ आज बताएं लड़ाई जरा आप। लड़ाई कर ली उन्होंने मेरे से। बोल खोल दी पीछे से। पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है सर, पर्दे के पीछे आवाज आ रही है। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। आपका आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम मैम, नहीं हो रहा आपका माइक। हाँ कर सकते हो गुड आप। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग गुड मैम, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर आज ऑफिस से आते ही लड़पड़े मेरे से, तो एक बोतल खून ज्यादा बढ़ गया इनके अंदर, इसलिए चमक ज्यादा आ रही है इनके अंदर। देखो मुझे, देखो मुझे अंदर की बात पता लग जाती है, अंदर की बात मुझे पता लग जाती है। ये मैंने कई बार देखा है, ये मैंने कई बार देखा है। कल मैं हरीश जी को कॉल किया था मैंने जो है, और मैंने हरीश सर से मैंने कि सर पोस्टर लगा रहे हो कहाँ तक पहुंचे, कह सर आपको कैसे पता लग गया मैं पोस्टर लगा रहा हूँ, मैंने सर लड़ाई आपको देख लेती है। हरीश सर ऐसे ही है ना कल, हरीश सर जी सर, जी सर, कैनोपी लगा रहे थे हम उस समय, आपकी कॉल आ गई कि सर कैनोपी लगा रहे। मैंने कि बिल्कुल ही सिक्स सेंस भी जो है होते हैं वाकई में, जब हम किसी काम के प्रति इतने समर्पित हो जाएं तो हमको ये समझ लीजिए कि वहां से हम जुड़ जाते हैं, उस जगह से हम जुड़ जाते हैं। तो थैंक ये सारी यू सर। घटनाएं हो कल हो रही थी, कल 2-3 बार ऐसा हुआ हरीश कि सर मैं जो आप काम कर रहा मुस्कान था आओ, वो गलत। मुस्कान के साथ आओ, मुस्कान के साथ। कहीं रास्ते में है क्या? नहीं, घर पहुंच गया जी, अभी अभी पहुंचा मैं। अच्छा, आप जो है, आप मुझे लग रहा है इनके घर में, मेरे घर में तो घर जो हो रहा है हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप इनके घर में लड़ाई करना करवाना चाह रहे हैं। मतलब आप ये अकेले नहीं आ सकते, मुस्कान के साथ क्यों आएंगे? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यू। वेरी मच। आज नए साल में हम मुस्कुराए, बिल्कुल बहुत जी, अच्छा। नए साल में मुस्कुराए। कुछ रीजन है कल के जो प्रोग्राम का, कुछ असर है यही सर? यस सही बात है, कल के यस प्रोग्राम यस का कुछ असर है और बहुत जबरदस्त असर हुआ है, और यस मुझे आशा है कि ये जो बिजनेस है इस अप्रैल में कई गुना बढ़ के जाएगा, डबल तो हो गई होगा।
ये मेरा पूरा मानना है इसका जो है। और रिजल्ट आने लगे, रिजल्ट आने लगे सुबह से, रिजल्ट आने लगे जो है, सुबह से रिजल्ट आने लगे। जो लोग भी गए थे कल प्रोग्राम में थे, उसमें से करीब 10% लोगों के फोन आ गए, उनके जो लेके करके गए थे कि सर मिलवाइए, सर से मिलवाइए, सर से मिलवाइए। और कई लोगों का कॉल आया, रेशमा जी का कॉल आया कि सर मैं बहुत दिन से उनको जो है बात कर रही थी, टाइम ले रही थी, लेकिन नहीं मिल पा रहा, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, वो आ गए जो है। और वो अब कह रहे हैं कि उनको ऑफिस से करके जो है, और क्या क्या है क्या नहीं है, और मैं इसको करना चाहता हूँ। दूसरा जो ये जो वहाँ के लोग आए थे, नेपाल से लोग आए थे, काफ़ी सारे लोग थे, आपने सबने देखा होगा, नेपाल से जो है, और स्टेज पे भी थे लोग वहाँ पर जो है। तो उसमें से भी आज जो कह रहे थे, मजाक बना रहे थे, उनकी जो है वहाँ आने से पहले कुछ नहीं है, और ये है, और उनका ट्रेवल्स का काम है, और काफ़ी हेल्दी है वो, 94 किलो का वजन है उनका जो है। और मैंने आज उनसे 1,000 रुपये फीस भी ली थी उनसे आज जो चेकअप की जो है, 2,200 रुपये मैंने कमाई भी थे आज जो है, दो लोगों का चेकअप किया था आज जो है, 2,200 रुपये कमाए थे आज मैंने जो है। और मेरे पास समय नहीं था, कुछ गेस्ट भी थे यहाँ पे जो है, हमारे अम्बाला सिंधु रानी जी थी और भी लोग थे, तो लेकिन फिर भी मैं चला गया और उनका चेकअप भी किया, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, और वहाँ के वो मोजेद आदमी हैं वहाँ के जो है, और बहुत अच्छा मतलब जो है उनसे लगा मिलने के बाद, और उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और ये बहुत तो मेरे, उन्होंने वीडियो बनाई है, उनके जो जो लेके आए थे नेपाली भाई यहीं से थे वो दिल्ली से ही, तो वो लेके आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई है, वो कह रहे थे ये BCM मशीन करने के बाद मेरा शरीर है ऐसा हो गया हल्का, बिल्कुल ऐसा उड़ने लायक, और ऐसा बॉडी में एनर्जी लग रही है कि किसी को मुक्का मारना है या फाइटिंग फाइटिंग करना है, ऐसा बॉडी में लग रहा है उनको, तो बड़ा अच्छा लगा जो है। उनकी हमने शेयरिंग भी कराई जो है, एक रिकॉर्डिंग भी बनाई जो है। तो जितने भी लीडर्स हैं और जो दिल्ली आए, उनका बहुत 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 वेलकम, और उनका मैं सम्मान करता हूँ तहे दिल से, और उनको मैं प्यार भी करता हूँ। और जो लोग नहीं आए हो किसी कारण से, वो अलग बात है, उनका भी वेलकम है, सम्मान है उसका, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो सब चलता रहेगा, कभी किसी को कोई काम हो सकता है, कभी किसी को काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि जो ये बिजनेस है, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी शुरुआत में आया था, लेकिन मैं शुरुआत में जो मैं इफेक्ट हुआ था पूरे शुरुआत में जो है, मैं तो मैं बता दूं कि लगभग लगभग 500 लोगों प्रोग्राम जो मैंने देखा था, और एक व्यक्ति से रिलेट किया था जो कि एक तार का मैकेनिक था, दो तार का, बलवंत स्वामी उसका नाम था, जयपुर से जो है। और मैंने बस समझ लिया कि अब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं लोगों को उसमें बिठाऊंगा, उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है। और जब वो 6वीं सालगिरह मनाई गई थी ये रेवाड़ी के अंदर, तो मैं पूरी कार भर के जो है वहाँ पर लेके गया था, मुझे मुझे बुखार था बहुत तेज, और मुझे लूज मोशन भी हो रहे थे, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, और मैंने अपने अपलायंस से कहा सर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊं, चाहे मैं होश में नहीं रहूं, चाहे मुझे कितने भी लूज मोशन हो जाए, मेरे को गाड़ी में डाल करके आप ले जाना, लेकिन मुझे जो है रेवाड़ी लेके जाना आपको जो है। बहुत लंबी लाइन थी, 2 किलोमीटर पहले से कार खड़ी थी, बसें खड़ी थी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था वो, लगभग लगभग जो है 2 लाख लोगों को प्रोग्राम था, 3 लाख बताते हैं लेकिन मैं 2 लाख बता रहा हूँ, 2 लाख लोगों को प्रोग्राम था, बहुत भीड़ थी। अब 2 लाख लोग लगा सकते हो कि एक प्रोग्राम में, ओपन प्रोग्राम था, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो प्रोग्राम चला था। और वहां से मैं मोटिवेट हुआ कि यार ये तो मैंने 500 का देखा था, यहाँ पर तो 2-2 लाख का देखा है, वहां से मोटिवेट हुआ। फिर मैं इंतजार करता था पूरी पूरे साल जो है, कि कहाँ प्रोग्राम होगा, भीलवाड़ा में होगा, जयपुर में होगा, कहाँ होगा, बड़ा इंतजार करता था, पूरे साल प्रचार करता था वहां पर जो है, पूरे साल प्रचार करता था कि कैसे भी मैं अपने लोगों को ये दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ऐसा काम है कि मैं मोटिवेट रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, बड़े सपने देखता हूँ, लाखों रुपये महीने में कमाने की बात करता हूँ, पैसिव इनकम की बात करता हूँ, तो बड़ा मोटिवेट रहता था, बड़ा खुश रहता था। तो लोग बड़ा उससे बड़ा, कुछ लोग जलते भी थे, कुछ लोग ये सोचते थे यार ये तो पता नहीं सभी बड़े बड़े सपने देखने लगा है कि पागल तो नहीं हो गया, अपना काम खराब कर लिया, वर्कशॉप खराब कर ली, ये कर लिया, उनको ये लगता था उनको जो है, जो मेरे हितैषी थे, कुछ लोग हितैषी भी होते हैं जो है, और उनको लगता नहीं था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता जो है, लेकिन मैं यही करता रहा, यही चलता रहा, यही सीखता रहा, यही करता रहा, यही करता रहा, यही करता रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना था, बहुत सारे ऑथर्स को सुना था, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारे मैंने जो है लोगों से मिला था, तो मैंने ये समझ लिया था कि ये जो बिजनेस है, ये जो मीटिंग और सेमिनार और मार्केटिंग, मीटिंग सेमिनार मार्केटिंग का ही बिजनेस है।
हम लोग होम मीटिंग करते थे, और होम मीटिंग भी कैसे करते थे, बुलंदशहर में एक बार मेरे गुरु, मेरे मेंटर जो हमें इस बिजनेस में लेकर के आए थे, जिन्होंने हमें डायरेक्ट सिले में धक्का दिया था, संजय जैन जी जयपुर से, एक बार जो है जो यहाँ के जो है बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष से बीजेपी के जो है, और उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम वहाँ पर गए जो है, उनको हमने बताया इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वो दूसरी कंपनी थी, इंडियन कंपनी थी, तो उन्होंने जो उनका जो प्रभाव था, 4 से जगह उन्होंने बात की, और बात करने के बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, और मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने के बाद जो प्रोग्राम हुआ, जो बुलंदशहर का जो चौराहा है, कौन सा बोलते हैं उसको, जो है कालेआम चौराहा, कालेआम चौराहा पे एक सेशन किया, और सेशन करने के बाद दूसरा सेशन 1 घंटे बाद था, लेकिन दूसरा सेशन 1 घंटे बाद था, तो मैं वहाँ पर प्लान दिखाया, प्लान दिखाने में प्लान दिखाता था, और फिर हमारे संजय जैन जी जो है हमारे जो गैरेज मेंटोर थे उस कंपनी में, वो फिर उनको बताते थे सिस्टम के बारे में, थोड़ा मोटिवेट करते थे, अपना अपना बैकग्राउंड बताते थे कि मैं क्या करता था और आज मैं इसके इस पोजिशन पर हूँ। इसके बाद फिर वहाँ से कॉल आती थी दूसरी जगह से कि सर यहाँ लोग हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाता था, वहाँ से अपना जो है बैग लेकर के, और फिर मैं वहाँ मीटिंग चालू करता था, फिर वहाँ प्लान दिखाता था, और प्लान दिखा करके फिर वो संजय जैन जी वहाँ ख़त्म करते थे, और जब मैं प्लान दिखा के हो चुका होता था, फिर वो वहाँ पर जो है वो लोगों को बताते थे, मोटिवेट करते थे, अपनी कहानी बताते थे, और फिर तीसरी जगह से खबर आती थी एक ही दिन के अंदर कि सर यहाँ पर लोग आ गए, इकट्ठे हुए हैं, बस 2-2 घंटे के टाइम से उन्होंने ऐसे मीटिंग अटेंड की, 4 मीटिंग अटेंड की, हमको रात 10 बज गए थे, 4 मीटिंग अटेंड की, और बेशुमार गर्मी थी, बेशुमार गर्मी थी, पसीना ऊपर से नीचे तक हो रहा था इस तरीके से जो है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था, पसीने के अंदर जब हवा लगती है ना, ऐसा लगता है एसी चल गया अंदर से ऑटोमेटिकली। पहले मैं कभी एसी में भी नहीं बैठा था कभी आज तक जो है, ना एसी कार में, ना एसी ट्रेन में, ना कभी एसी घर में, ना कभी एसी ऑफिस में, कहीं नहीं बैठा था मैं, तो धूप में तपी धूप में काम करता था, काम करता था, लाल चेहरा हो जाता था पूरा जो है, बाल ऐसे हो जाते थे बहुत खराब खराब से जो है, और चेहरा काला पड़ जाता था पूरा, लाल हो जाता था चेहरा जो है, लेकिन वहां पर जो है इतना मजा आ रहा था काम करने में, इतना सम्मान मिल रहा था, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा था, तो हमने और सीखा और सीखा और सीखा। तो ये जो बिजनेस है, मीटिंग का है, सेमिनार का है, और मार्केटिंग का है, क्या आप जो है छोटी छोटी मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, लोगों से मिलें, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं, लोगों को उनको अपने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि ये आपको क्या क्या, आपको जो आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में सॉल्यूशन दे सकता है, उनको बताएं, ये होता है मीटिंग। आपको मीटिंग में आप जो डेमो दिखाएं, उनसे मिलें, लगातार मिलें, डेली मिलें, 2 लोग आपके साथ जो आपके साथ इंट्रोड्यूस हो गए हैं, 2 लोगों को आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, उनके साथ ही मिलकर प्लानिंग करनी है, उनके साथ ही मीटिंग होम मीटिंग करनी है कि सर हम आज आपके घर आ रहे हैं, और आपके साथ मिलकर के वहां पे आप 4-6 लोगों को बुलाइए, पानी का इंतजाम कीजिए, कोई नाश्ता नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, और हम वहाँ पे आपके लोगों को बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, और ये एक महान काम है, एक अच्छा काम है, और हम सब मिलकर के साथ करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा और तेजी से काम होगा। जब वो 4 से 10 लोगों को अपने मोहल्ले वालों को बुलाता है, बताता है, रिश्तेदार को बुलाता है, और हम जब बताते हैं तो कुछ लोगों की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता है कभी भी जो है, कुछ लोगों की समझ में आता है, 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो उसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और काम आगे बढ़ जाता है, फिर उनके साथ 2 लोगों के साथ काम करते हैं, फिर उनके साथ 2 के साथ, फिर उनके 2 के साथ। ये बिजनेस जो है अकेले काम करने का नहीं है, इसको लॉक कर लें अपने दिमाग में, ये बिजनेस कभी भी अकेले काम करने का नहीं है। अकेले काम करने का मतलब है कि हम ट्रांसपोर्ट वाला काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाला काम कर रहे हैं, या हम कोरियर वाला काम कर रहे हैं कि सामान इधर से लाया इधर दे दिया, सामान इधर से लाया इधर दे दिया, जो हमारी कमीशन मिल गई बन गई वो हमारी हो गई ऑटोमेटिकली। वो काम एक टाइम करते हैं, एक टाइम ही मिलता है आपको, जिंदगी भर करोगे जिंदगी भर मिलेगा, वो कोरियर वाला काम है। ये काम है कि आप मीटिंग लगातार मीटिंग लगातार मीटिंग लगातार करते रहे, इसलिए कि जो आपके साथी नया आया है वो लगातार सीखेगा, उसको खड़ा होने का मौका मिलेगा, उसको अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका मिलेगा, उसको बातचीत करने का मौका मिलेगा, सब कुछ मौका उसको मिलेगा, और वो एक आदमी एक अच्छा इंसान मिल जाएगा बन जाएगा, और वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा। ये काम सिर्फ लीडर बनाने का है, ये काम कोई मेहनत करने का नहीं, लीडर बनाने का है। अगर हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको लीडर नहीं बना पाए तो ये हमारी मूर्खता होगी कि हम लगातार जिंदगी भर काम करते रहेंगे, जिंदगी भर पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन कभी हमारे घर में पैसिव इनकम नहीं आएगी। हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे घर में वो पैसिव इनकम आए जिसके लिए हमने सुना था कि एक दिन काम करेंगे 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल, और हमारे घर में इनकम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। आज जो खर्चे हो रहे हैं, खर्चे
खर्चे होते होते थक जाएंगे, लेकिन इनकम आते आते कभी नहीं थकेगी, वो इनकम लगातार आती रहेगी। इसलिए हमने काम किया था, इसलिए हमने काम नहीं किया था कि आज हम काम करेंगे तो इनकम आएगी, कल काम नहीं करेंगे तो नहीं इनकम आएगी, इसलिए काम नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और एक एक चीज है कि हम लोग रिलेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा रिलेशन बनाइए, एक ऐसा रिलेशन बनाइए जैसे एक बहन और भाई का होता है, और माँ और बाप का, माँ बाप के जो रेस्पेक्ट होता है बच्चे का वो होता है, या बेटे का और आपके जो है पापा का होता है, या बेटे का या मम्मी का होता है, या एक बेटी का और पापा का होता है, बेटी का और मम्मी का होता है, वो रिलेशन हमें बनाने हैं। तो ये सब चीजें हैं इसमें जो है। और फिर हम मीटिंग करते हैं लगातार, फिर हम जो है सेमिनार में जाते हैं, क्योंकि जब हम मीटिंग लगातार करते हैं तो हमें ज्यादा लोग निगेटिव मिलते हैं, पॉजिटिव कम मिलते हैं। मतलब 10% मिलेंगे पॉजिटिव, 90% मिलेंगे निगेटिव। तो हमारे दिमाग में क्या चीज जाएगी ज्यादा, यही सर, क्या चीज ज्यादा जाएगी, निगेटिविटी ज्यादा जाएगी जाएगी या पॉजिटिविटी ज्यादा जाएगी? वो नेगेटिव ही लोग पहले कई जाती तरीके से बैठे हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, है, मुझे देख नेगेटिविटी रहा हूँ, नेगेटिविटी और ज्यादा जाती है। निगेटिविटी ज्यादा जाएगी। और हमारे माइंड में क्या है, निगेटिविटी ज्यादा जाएगी तो हमें उसी अनुपात से हमें पॉजिटिविटी डालनी है, उसी अनुपात से पॉजिटिविटी डालनी है अपने दिमाग में भी, और जिनके दिमाग में नेगेटिविटी जा रही है और नेगेटिव कर रहे हैं उनके दिमाग में पॉजिटिविटी भेजनी है। उसका माध्यम है सेमिनार, बड़ा सेमिनार, बड़ा सेमिनार, बड़ा सेमिनार, बड़ा सेमिनार। पूरे महीने आप ये देखो कि बड़ा सेमिनार कहाँ होने वाला है, मैं अपने लोगों को कहाँ लेके जा सकता हूँ, या कहाँ के लोगों को कहाँ बिठा सकता हूँ। एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि लखनऊ की लिस्ट क्या है, कानपुर की लिस्ट क्या है, आगरा की लिस्ट क्या है, अलीगढ़ की लिस्ट क्या है, दिल्ली की लिस्ट क्या है। ये एक लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। और जहां पर भी बड़ा सेमिनार है, जहां पर भी बिजनेस बड़ा ग्रो करना चाहते हो, आपको ये इंतजार रहना चाहिए कि मेरे 5 लोग मेरे जो है कानपुर में हैं, और मैं बहुत दिन से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और उनको मैं वो नहीं समझा पा रहा जो समझना चाहते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है पांडे सर का, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है किसी बड़े लीडर का, वहां पे अगर मैं उनको दो, अगर 5 लोगों को इन्वाइट करूंगा, अगर 2 लोग भी वहां पर आ जाते हैं, तो मैं एक बहुत बड़ा एक वहां से बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकता हूँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री बना सकता हूँ इसमें जो है। तो मीटिंग और सेमिनार, दो चीजें हो गई, मीटिंग और सेमिनार, बड़ा सेमिनार, उसका आप जो है इंतजार करें, जो है कि कहाँ पर हो सकता है, किस तरीके से मैं अपने लोगों को वहां पर लेके जा सकता हूँ। और जो व्यक्ति आपके साथ आता है उसको 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार, जो 2 लोग आपके साथ इंट्रोड्यूस हुए, 10 दिन लगातार उसके घर पे जा करके या अपने घर बुला करके आपको लगातार ट्रेनिंग दो, आपको लगातार ट्रेनिंग दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दो, कोई पैसे मत दो आप जो है। अगर लगातार आपने 2 लोगों को लगातार ट्रेनिंग की, लगातार ट्रेनिंग की, लगातार ट्रेनिंग की, लगातार ट्रेनिंग की, तो वो एक पावर हाउस बन जाएंगे, और आपका एक एक बड़ा फैक्ट्री बन जाएंगे, बड़ा एक आपका एक बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर देंगे 2 लोग जो है। अगर उनकी समझ में पूरा विजन क्लियर हो जाएगा तो वो आपको जो है, फिर आपको 2 लीडर आपके जैसे बन गए, 2 आपके विजनरी आपके साथ बन गए, जो विजन आपका है वो विजन उनका हो जाएगा। तो ये आपने 2 लीडर खड़े कर दिए, और वो आपको लाखों लीडर खड़ा कर सकते हैं, लाखों लीडर खड़ा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कोई गोल्ड कर ले, कोई ब्रॉन्ज कर ले, कोई सिल्वर कर ले, कोई प्लेटिनम कर ले, वो चीजें सब ऑटोमेटिक हो जाएंगी अगर हमने 2 लोगों का विजन क्लियर कर दिया। तो अगर 100 लोगों का हमने प्लेटिनम कर लिया, 100 लोगों को हमने गोल्ड करा दिया, 100 लोगों को ब्रॉन्ज करा दिया, और उनका ये विजन क्लियर नहीं कराया कि आपको ये 2 साल के बाद क्या दे सकता है, 5 साल के बाद क्या दे सकता है, 10 साल के बाद क्या दे सकता है, और 20 साल के बाद क्या दे सकता है, और उनको ये क्लियर नहीं हुआ, तो वो कभी भी छोड़ के आपको जा सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं, टाटा बाय बाय कह सकते हैं आपको जो। सही कह रहा हूँ सर, मुझे सर मैं यस गुरु जी, यू आर राइट सर। और जी ऐसा प्लीज हुआ है सर, जिनका विजन क्लियर नहीं हुआ है और वो अपने अप्लाई एक में की वो आवाज, 10 लाख मांग चुका है। एक की आवाज बंद कर लो, एक की आवाज बंद कर दो, एक की आवाज। और ऐसा हुआ है सर कि जिनका विजन क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा मुजाहिद सर, आप दूसरे वाले का माइक ऑन करो, दूसरे वाले इसका बंद करो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी, उसका आवाज बंद कर दो। आवाज मुजाहिद सर, आप सब मेरे को पहली बार मिले थे, आप जब मेरे को पहली बार मिले थे तो मेरी कोई मुलाकात थी आपसे, कोई कोई जान पहचान थी, कोई रिश्तेदारी थी? नो सर, कोई भी रिलेशन नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात आपकी एक रोड पर खड़े होकर हुई थी, उसके और आवाज बंद सेकंड करो, दूसरे वाले की आवाज बंद कर दो, दूसरे वाले की आवाज बंद कर दो, मोबाइल की दूसरे वाले की, उसकी आवाज बंद कर दो, सीटी आ रही है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, मैं यही दिखाना चाहता हूँ लोगों को जो है, कि डॉक्टर मुजाहिद जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं थी,
मैं गाड़ी से था, डॉक्टर साहब बाइक से थे, और कहीं बीच में मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ लिया था इनका माथे से, लकीरों से, इनके चेहरे से, हाव-भाव से पढ़ लिया था कि अगर ये बिजनेस में आएंगे, इनका विजन क्लियर मैंने कर दिया, इनकी माइंड में डाल दिया, तो ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसी था सर, कोई यस यस गुरुजी, जान बिल्कुल पहचान नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी किसी तरीके की, और एक व्यक्ति ने मिलवाया था जिसको मैंने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही था ना, यस डायरेक्ट गुरुजी, उसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके नीचे फिर एक व्यक्ति था और उसने जो है इनको इंट्रोड्यूस किया था मुजाहिद सर को, और वो उन्होंने मिलवाया था। और मिलवाने के बाद डॉक्टर साहब ने पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं की थी, कोई प्लान नहीं किया था, कभी नाम नहीं सुना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मैं अपना काम करते करते और धीरे धीरे इसको छोड़ भी दूंगा, और मैं धीरे धीरे इसके बाद फिर लगातार काम करता रहूंगा और मेरे पास इनकम आती रहेगी, मैं इंटरनेशनल टूर करता रहूंगा और आज यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कभी सोचा था डॉक्टर साहब आपने कभी? नो सर, नो, कभी लाइफ में मेरे को तो मतलब लगता ही नहीं था। जहाज वगैरह तो ये बहुत बड़े लोगों के काम होते हैं, ये सोचता था मैं कि हाँ बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत उद्योगपति होते हैं शायद वही लोग इस पर सफर कर पाते हैं। हम तो बहुत गरीब बस्ती के एक अलीगढ़ के एक छोटे से किसी एक मोहल्ले में, और उस मोहल्ले के भी बिल्कुल बेकार सी जगह पे हम रहते थे। हम कहाँ, हमारी सोच थी सर। आज मैं लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने जब भी पहली मीटिंग की हो या आखिरी मीटिंग की हो, हर बार क्या बोला है कि मेरा ये सपना है कि मैं एक पूरा प्लेन अपना अलीगढ़ से लेके जाऊं। कितनी बार बोला होगा सर अब तक? सर मैंने कई बार सुना है, और वो सपना बहुत जल्दी नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक भी चल रहा है वो, आज तक भी चल रहा है। यस अभी हर चल रहा है मीटिंग सर। में और बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ। जब मैंने आपसे सुना था तो हम अलीगढ़ से 3 लोग गए थे टूर पे, और अब तक सुन रहा है तो कम से कम आपसे अब 7 7 8 8 लोग जा रहे हैं, तो यानी प्लस हो रहा है, सब कुछ प्लस हो रहा है। मेरे विजन को आपने अपना विजन बना लिया, मेरे विजन को आपने अपना विजन बना लिया। मैंने यस यस गुरुजी, मैंने ये सुना है अपने ऑथर से, अपने जो हमारे ग्रेट होते हैं, जो बहुत काम कर चुके होते हैं, क्योंकि अगर हमारे डिसीजन इतने अच्छे होते, अगर हमारे डिसीजन इतने अच्छे होते तो हम पहले से बहुत अमीर होते, थका नहीं है। तो यस हमारे डिसीजन इतने अच्छे नहीं थे पहले जो है, लेकिन खुदा की कुछ कुदरत थी और कुछ उसके नेमत थी, हम मिलनी थी कि हमें टेंस कराना था और हमें यहाँ तक पहुँचाना था। तो डॉक्टर साहब जो है अपना विजन बना लिया, जो मेरा विजन था वही विजन बना लिया। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद, मतलब बहुत तेज ग्रोथ की, 8 महीने में लगभग आपने जो है स्टार्ट किया था, 8 महीने के अंदर 66 लाख का बिजनेस किया था। 66 लाख में जब स्टार्ट होता था, 8 या 9 महीने में आपने स्टार्ट किया था क्वालिफाई, और बहुत फास्ट काम किया था। हर टूर जो आया वो आपने क्वालिफाई किया, हर टूर जो आया वो आपने क्वालिफाई किया और लगातार काम किया ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं कभी आपसे दूर हुआ? नो सर नो, आपकी आप वजह से मेरे तो से ये दूर सब हुए कभी? अभी दूर हुए आप मेरे से? जब जब मैं आगे बढ़ाऊं तब तक आपने और अपने करीब रखा है मेरे को। जब जब मैं आगे बढ़ाऊं, एक अचीवमेंट लिया, तब तब आपने मेरा हौसला अफजाई किया है और बड़ा सराहना किया, और बड़ा अच्छा लगा है कि सर आपकी वजह से ये सब कुछ हो पाया सर। अच्छा, जो चीजें हम अपने अप्लायंस से सीखते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, कुछ अप्लायंस ऐसे भी होते हैं कुछ के अंदर बुरी चीजें भी होती हैं, उनको हमें इग्नोर करना है, उनको हमें इग्नोर करना है, उनको अपने धारण नहीं करना, उनको इग्नोर करना है। अच्छी चीजें हैं तो उनको जरूर लेना अंदर जो है, और वही अच्छी चीजें आपको एक महान लीडर बना सकती है, महान व्यक्ति बना सकती है आपको जो है, वो हमें जरूर लेना चाहिए जो है। तो आपने सर जब पहली बार जब गए थे आप जो है टूर पर जो है, और वहां पर आपने मस्ती की थी, वहां पर आपने फोटो खिंचाए थे, वहां पर आपने इंटरनेशनल होटल में आपने खाना खाया था, और हर दिन आपने चेंज किया था, सुबह अलग शाम को अलग, तो मतलब कितना आपको एनर्जी आई उसमें ऑटोमेटिकली, लगातार आपको कैसा सर मैं महसूस कर रहे हैं? गया नहीं कर सकता अपने शब्दों में, क्योंकि कभी मैंने लाइफ में सोचा नहीं, और कभी मैंने गया नहीं कहीं, और विदेश तो दूर की बात है, हमने तो इंडिया ही सही से नहीं घूमा, यूपी नहीं घूमा। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जिस टाइम पे और बाकी में ऐसी कंट्री का टूर मिला था जो आप लोग जानते ही हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर चाइना में है, हमें चाइना का टूर मिला। हर चीज डिफरेंट है, यानी हमारे इस कंट्री से सब कुछ, चाहे आप वहां के लोगों को देख लो अजीब, वहां का खाना देख लो डिफरेंट, वहां का एजुकेशन तो समझ में नहीं आता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती, देन वहां की गाड़ियां, वहां के रोड, सब कुछ डिफरेंट। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। और ये सब कुछ कैसे हो पाया पॉसिबल, एक्सपीरियंस के माध्यम से।
क्यों? ऐसा नहीं ध्यान से हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क तो हम पहले भी कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोडक्ट मैं हमेशा पहले भी निकाल रहा था किसी न किसी के एलोपैथिक में, टर्नओवर में वहां पर भी दे रहा था, और टर्नओवर यहां पर दिया है, लेकिन इसने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और यही बातें मेरे माइंड को टच कर गई हैं कि कहीं ना कहीं हम टर्नओवर वहां दे रहे थे जहां उसका कोई ना रिजल्ट प्रेजेंट में था और ना फ्यूचर में था, लेकिन आज हम चांस के साथ हैं तो प्रेजेंट में भी है इसका रिजल्ट, एंड फ्यूचर के लिए तो है कि अगर हम डायरेक्टर बनते हैं, गोल्ड लॉयन बनते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चों को ये बिजनेस मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और एक मिनट और लेना चाहूंगा गुरु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये लीडर्स बनाने का बिजनेस है और दो लीडर हमें जरूर बनाने, तो बिल्कुल सर मैंने आपने अभी अभी कहा है और ये मैंने पहले भी नोट कर रखा है और बिल्कुल दिमाग पर टच हो गया है कि सैम जिस तरीके से हम हमारी फैमिली में हमारे बच्चे होते हैं, हर एक आदमी हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना चाहता है, बड़ी एजुकेशन दिलाना चाहता है, उनको कामयाब करना चाहता है, सैम उसी तरीके से आज आपकी टीम के अंदर अगर एक लीडर या दो ज्वाइनिंग होती है आपके माध्यम से, तो आपको उनको वो एजुकेशन दिलानी है जैसे हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेके जाते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे ट्यूशन लगाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को कामयाब करना होता है, हमें अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना होता है। सैम उसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको, आपके साथ जो दो लीडर्स आ गए हैं, लीडर तो 100% बनेंगे वो, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से सन ने बताया कि मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की और मैं लीडर था ही नहीं, लीडर क्या होता है मेरे को तो पता ही नहीं, लेकिन सर को शायद वो लगा और उन्होंने मेहनत की एक माँ बाप की तरह, और वो एजुकेशन वो माहौल मेरे को दे पाए जिससे आज कहीं ना कहीं ये सब कुछ मैं भी कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में चेंजिंग आ रही है और इस लाइफ को मैं भी जी रहा हूं। और इसी तरीके से जो सन ने मेरे साथ किया सैम, उसी तरीके से मैं भी अपनी हर एक लेग पे उसी तरीके से अपने हर एक लीडर को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और कर रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हर एक लीडर को करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक परिवार है, और अगर माना जाए तो बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, या मान लो अगर हमसे बड़े हैं तो बच्चे नहीं माँ बाप को मान लीजिए, और हर आदमी अपने माँ बाप के लिए भी करता है और बच्चों के लिए भी करता है, तो चाहे हमारे ग्रुप में यानी कि मेरी टीम के अंदर अगर मुझसे बड़े हैं तो मैं माँ बाप समझ के उनके लिए काम करूंगा, और अगर छोटे हैं मुझसे तो मैं उनको बच्चे समझ के काम करूंगा, लेकिन पूरा कोशिश करूंगा उनको कामयाब करने के लिए, जिस तरीके से हमारे ग्रेट अप्लाइंस मिस्टर सफी मोहम्मद सर ने मेरे को यहां तक पहुंचाया पूरी मेहनत की। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ इंदु मैम भी जुड़ चुकी हैं अम्बाला से, जो है अभी वो रेलवे स्टेशन पे हैं पुरानी दिल्ली में, तो मैं मैम से पूछना चाहूंगा कि वो पहली बार दिल्ली आई और उनको कैसी फीलिंग हुई वो बता सकती हैं जरा, जो है अगर नेटवर्क ठीक हो तो अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, बाकी ऐसी बता सकती हैं। तो वेलकम इंदु मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। नेटवर्क नहीं मुझे लग रहा फिर वो माइक। इंदु रानी मैम वेलकम, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस गुरुजी, आपकी वॉइस क्लियर है। शायद नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, नेटवर्क की वजह से जो है माइक जो म्यूट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं बता दूं कि इंदु रानी कल यहाँ पे जो है खाना वाना खाया हम सब लोगों ने, डॉक्टर मुजाहिद जी भी थे, साइम सर भी थे, यहाँ रोजा अवतार की हम लोगों ने घर पे आके खाना खाया, तो वो ये कह रही थी कि अगर असल में मैं जो आज इतने प्रभावित हुई हूँ लोगों से जो है कि लग नहीं रहा था कि मैं कहीं और हूँ या दिल्ली में हूँ या कहीं और हूँ, ऐसा लग रहा था हम सब घर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं और खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं अपने इस तरीके से, जो है बड़ा अच्छा माहौल था एकदम जो है। इंदु रानी जी का मोबाइल से ज़्यादा नेटवर्क नहीं है, इस वजह से उनका माइक भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा, तो आवाज़ भी हो सकती है, ट्रेन की आवाज़ है वहाँ पर, स्टेशन पर अभी ट्रेन आने वाली है। तो ये सब क्या होता है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि हमारी जितना फैमिली बनती है, जितना हमारा परिवार बनता है, हमारा जो है वो एक ऐसा परिवार बन जाए कि हमारा जिंदगी भर रिलेशन बना रहे हो, तो रिलेशनशिप डेवलप करने का है। और मैं
लीडर्स क्रिएट करने का वजह से हम लीडर डेली दिन पे दिन बनाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार अमेजिंग कल का जो है सेशंस रहे। कल जो है बहुत शानदार तरीके से लोगों ने वहाँ पर एंजॉय भी किया और सर की कार के साथ फोटो खिंचवाए, जो 1.5 करोड़ की कार है उसके साथ फोटो खिंचवाए और लोगों ने अपने स्टेटस पे भी लगाए हैं। और कह सकते हो आप कि हमारे गुरु जी हैं और गुरु हमारे ये काम कर रहे हैं कि हमें भी ये वाली कार दिला पाए, इसकी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप बता सकते हैं लोगों को, जो कोई भी पूछे आपसे जो है। तो लगातार हमें जो है अपने अपलायन के संपर्क में रहना है, लगातार हमें मीटिंग करना है डेली। इंदु मैम आपका भाई ओपन हो गया मुझे लगता है, आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? वेरी गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, बढ़िया, वेलकम वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहता हूँ मैम, कल आप दिल्ली आई थी यहाँ पे प्रोग्राम में, और आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम आपको? जी सर। आप वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, नहीं करो। कल आप दिल्ली आई थी, तो आपको कैसा कल का प्रोग्राम कैसा लगा और क्या फीलिंग की आपने अपने आप को? नेटवर्क नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क, आपका नहीं आ रहा नेटवर्क जो है, मेरी आवाज क्लियर है? आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ ऑफ कर लो, वीडियो सिस्टम से बाहर हो गई नेटवर्क नहीं है पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। तो ये चीजें होती है कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि जो भी हमारे साथी आ रहे हैं वो हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, और वैसे रिलेशन रखना है जैसे घर वालों से ज्यादा होता है, वैसे रिलेशन हमें रखना है। और रिलेशन आपने बिल्ड कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी आपका। सर मेरी आवाज अब आ रही है? आ रही, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, वेलकम। हेलो, थैंक यू सर। अब आ रही सर आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है, हवा बहुत तेज है, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, हाँ आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ सही आ रही, सही आ रही है। हाँ सर, अब सही है सर आप? अब नहीं आ रही आवाज सर। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है सर। हेलो मैम, घर पहुंच जाए, कल कराएंगे शेयरिंग आपकी, कल कराएंगे। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है आपका पुरानी दिल्ली से, आप नेटवर्क में नहीं हो सर, मैं यहाँ ठीक है, मशीन में कुछ देना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज सर? अगर मेरी आज से हो तो मैं कल करूंगी, बिल्कुल सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? अब आ रही, आ रही है। हेलो, मैम आवाज कट रही है। हमारे साथ टीकम सिंह जी हैं, वेलकम, स्वागत है सर आपका, माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम। आप माइक ऑन कर लो सर, माइक ऑन कर सकते हो, आप होस्ट हैं आप। वेलकम गुरुजी, वेलकम टीकम गुरुजी, वेलकम। वो मैसेज आ रहा होगा, मैसेज को क्लिक कर दो आप, एक मैसेज आ रहा होगा उसे क्लिक कर दो आप। हाँ वेलकम सर, वेलकम 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 गुरुजी, वेलकम, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कल बहुत अच्छा लगा करके आप लोगों से, एक एनर्जेटिक मीटिंग रही जी, और कोशिश की जाएगी कि आपका साथ कंधे से कंधा, पैर से पैर मिला करके बांध के रहा जाए। और इसमें मैं कुसुम मैडम का, परवेश सर का और रोहता सर का और बाकी जितने भी आपके हमदर्द और चाहने वाले और जितने भी हमदर्द और मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत मैं बहुत कुछ सीख करके आपके पास से आया हूं ये, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत महान हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है,
और मैं आपको जानता हूँ कि आपकी पावर क्या है, और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं कुछ सीख के आया हूँ, तो ये मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये बात मैं सुन पा रहा हूँ आपके मुँह से। जो है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं तो 9 साल का बच्चा हूँ अभी जो है, और अभी तो आप सबसे सीख ही रहा हूँ। हमारे रोहदास जी हैं और आप हैं। अगर आप 9 साल के हैं तो हम तो अभी एक ही महीने के हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई आप सबकी मुस्कुराहट हमें एनर्जी देती है और एक नई शिक्षा देती है। एजुकेशन इज लाइफ इज गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये ओके देखो, थैंक हमारे यू सर। टीकम सिंह जी बहुत बेहतरीन लीडर हैं और पुराने लीडर हैं, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। देखो यही चीज़ें होती हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी टीम में कोई आते हैं और हम अगर अपलायन होते हैं, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किस किस व्यक्ति से क्या क्या सीखने को मिल सकता है। और वो तभी हो सकता है कि अपने माइंड में ये डाल लें कि एक नाली में पड़ा हुआ शराबी भी हमें कुछ सिखा सकता है, हमें नाली में पड़ा हुआ शराबी भी हमें कुछ कर सकता है, और हम नहीं सीखना चाहें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी और उनका प्रोफेसर भी हमें कुछ नहीं सिखा सकता। सीखना चाहें तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, पागल से भी सीख सकते हैं। तो मेरा तो सीखने का ये है कि मैं कहीं से भी सीख लेता हूँ और लगातार सीखता रहता हूँ, लगातार सीखता रहता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे को ऊपर 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 और ऊपर लेकर के जा रहे हैं, और ये सब आप लोगों की मेहनत है। जितना कल का प्रोग्राम हुआ वो सब लीडर्स की मेहनत है, मेरा कुछ नहीं उसमें जो था, जो है बस हमारा तो एक नाम था खाली, जो है हम पहले आ गए थे, पहले शुरू हो गए थे, इसलिए लोग गुरु कहने लगे हमें। जो है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और जब मेरे जैसा बालक, मेरे जैसा बच्चा और मेरे ऐसा ज़्यादा अच्छा दिखने ना वाले ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता मैं, मेरी शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसके बाद भी हम लोगों ने कर लिया, तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है कि हर आदमी कर सकता है। जैसे कि पांडे सर बता रहे थे कि उनके पास इतना कर्जा था, इतनी लाइबिलिटी थी, और इसके बाद भी उन्होंने जो है आज उनके पास 1.5 करोड़ की कार है और कई सारी कार उनके पास है, इतना शानदार उनका ऑफिस है, सब कुछ उनका बहुत शानदार है, तो आज वो किस मुकाम पर है। इंदुरानी मैम, हाय आपकी आवाज आ रही है। हाँ, यस सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम हाँ वेलकम। सर, मैं अब इनके रनिंग रूम पे पहुंच गई सर। वहां पे हल्का सा नेटवर्क आ रहा है सर, वेलकम मेरी वेलकम। आवाज क्लियर है सर या अभी भी कट कट इंदु के मैम, आ रही कल है? पहली बार दिल्ली आई थी आप, जो है तो कैसा महसूस किया आपने सेमिनार में या घर पे आके, या कैसा माहौल लगा आपको? माहौल की बात कीजिए आप। ये सोचिए, पहली बार मेरी ये ऐसी मीटिंग थी, नहीं तो मैं घर से निकल के सिर्फ अपने रिलेशन में जाती थी और अपने घर के, लेकिन इतने लोगों की मतलब गैदरिंग थी और इतना अच्छा लगा सर। और लास्ट में सर, जब मैं आपके घर गई ना सर, वाकई वो मैं जिंदगी में ना पहले कभी मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था सर। वो जो माहौल ऐसा लगा था कि लगा ही नहीं सर कि कोई लीडर बैठे हैं और हमारे सामने, और मैं उनकी मतलब एक छोटी सी, अभी मेरा प्यांस में एक कदम ही तो रखी हूँ सर, और इतने बड़े बड़े लीडर। मैं ये थोड़ा सा, मैं मेरे लिए गलत होगा लेकिन मैं बताना चाहूंगी सर बिल्कुल खुले दिल से कि सर मैंने जो 6 महीने पहले जो दिल्ली के टीम में रह कर, जो मैंने कभी वो नहीं सोचा था कि उनको वहाँ रियलाइज कराया जाता था कि हाँ आप अभी 6 स्टार हो गए, तब जाके आपको किसी लीडर से बात करनी होगी जूम पैनल पर बोलने की। तो हमने ये सोचा था ठीक है 6 स्टार होने के बाद, लेकिन सर यहाँ जो कल मैंने देखा कि एक गोल्ड लॉइन, बाकी सारे इतने अच्छे अच्छे लीडर और इतने मतलब ओहदे पे पहुंचे, और हम जैसे के साथ अपनापन, कोई किसी से कोई वो नहीं है कि आप, कोई पूछ नहीं रहा है कि हाँ आप किस उस पे बैठे हो या आपका ज्वाइनिंग अभी है, एक बिल्कुल सिमिलर टाइप पे। इतना इतना अच्छा लगा सर, एक परिवार की तरह। और कल से जो रात से जो मेरी फीलिंग हुई है ना सर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जी जान से ना बस ट्यांस के लिए काम करूं, और जितने अच्छे आप लोग हैं ना सर बिल्कुल मैं थोड़ा सा आप लोग से ये सीखूं, और अपने टीम में अपने जो लवली मैं जो टीम बनाऊं ना सर, उतना प्यार मोहम्मद जो मैं आप लोगों से सीखी हूँ ना, वो अपने टीम में एज बिल्कुल टू कॉपी में अपने अपने नीचे अपने जो मेरे साथ जुड़ेंगे सर, मैं उनमें ये देना चाहती हूँ सबसे पहले कि बस मैं जो सीखी हूँ आप उसे देख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ ना, वो मैं अपने नीचे वो चीज पूरा डिट्टो में ट्रांसफर करना चाहती हूँ सर आप लोग के आशीर्वाद से। बस मेरा ये पहला ही कदम है सर, और बिल्कुल मुझे विश्वास है सर कि आप जैसा और मुजाहिद सर की जैसे इतने अच्छे अच्छे आरजे जैसे इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर हैं सर, कि मैं बस आसमान में उड़ रही हूँ सर, मुझे
बस ये फीलिंग लेके मैं अंबाला जा रही हूँ सर, और बहुत अच्छा कुछ करूंगी सर, ये चीज मैं फील कर रही हूँ सर। थैंक यू सर, आपने मुझे शेयर किया। और सर थैंक आप यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बिंदु मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ रेशमा परवीन जी भी हैं, हमारी बहन जो है रेशमा परवीन जी, जो कि दिल्ली से हैं और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, बता सकती हैं कि कल उनको कैसा लगा और उनके जो प्रोस्पेक्ट आए थे वो कैसा महसूस उन्होंने किया, क्या बात है उन्होंने उनसे कही, तो वो बता सकती हैं थोड़ा सा माइक ऑन करके। तो मैं स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स, वेलकम। और थैंक यू सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा, और जिन लोगों को मैंने बुलाया था उन लोगों ने सबने मुझे सॉरी बोला और बोला कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। और क्योंकि क्लोजिंग डे था और मेरे सारे कलीग थे जो जॉब करते हैं, और 31st था इसलिए उन्होंने कहा, और जो उनको मैं बहुत दिन से आपसे मिलाने के लिए बोल रही थी वो जो है उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी तरीके से मुझे एंट्री कराओ। और जब मैंने उनको बोला कि टूर चल रहा है उसके लिए मैं भी तैयारी में लगी हुई हूँ नैनीताल का, और वो बोले कि ये सब क्या लगा हुआ था, मैंने कहा ये सब सिम्बॉल लगे हुए थे जहां जहां हमारे टूर से जाते हैं, और जब हम अचीव कर लेते हैं तो हमें ये टूर मिलते हैं। तो वो बोले ये क्या होता है, तो मैंने कहा आप जब आएंगे मिलेंगे तो सब बता देंगे। बोले कितने पैसे देने, मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं देना। और सर उनका टिकट का पैसा भी मैंने दिया था, वो बोले कितने टिकट के पैसे हुए ये तो मैं ही दूंगा, मैंने कहा नहीं सर वो मेरी खुशी थी मैंने दिए हैं आप ना दें। फिर बोले कि ठीक है तो मुझे आप बताओ कि क्या करना है और मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे सबसे यानी वो कह रहे हैं मैंने एमवे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया, आरसीएम ज्वाइन किया, बहुत कुछ ज्वाइन किया। तो मैंने कहा सर आपने जो ज्वाइन किया है वो चीज अलग है, लेकिन आपने वहां पर सुना था कि हमारा थीम क्या है, मेन थीम है कि जो हारून सर को आपने सुना था। वो बोले हाँ मैम वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने बनाया 100% और 80% जिस तरह से वो मेरे माइंड को क्लिक कर गया। और मैम आपने भी ये सब बात बताई थी लेकिन कल तो मुझे बहुत क्लिक कर गया, तो मैंने कहा सर थैंक यू आपको क्लिक कर गया। तो बोले कि मैंने कहा हम ये सब चीज जो हम ले सकते हैं वो बहुत छोटी से छोटी चीज जो हम घर पे यूज करते हैं, हमारा पेस्ट है जो पायरिया को खत्म करता है, ठंडे गर्म पानी को खत्म करता है, जिसको हर किसी को जरूरत होती। और सर आपने पैड का उसका पैड का डेमो देखा ही है, सैनिटरी पैड का, उसको हर घर की जरूरत होती है। और आप हमारे यहाँ पे अभी कोकोनट वर्जिन ऑयल आया है जो खाने में भी यूज कर सकते हैं और हम लगाने में भी यूज कर सकते हैं, मालिश भी लग कर सकते हैं, वो भी अमेजिंग है। और हमारे यहाँ पे हैंड वॉश है सर, घर की हर एक चीज है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा कुछ नहीं लेना, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बस ये पूछना है कि मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। मैंने कहा सर आप 1 रुपया भी खर्च ना करके ज्वाइन कर सकते हैं, आप बस आइए। तो उन्होंने मुझे आ जाने के लिए बोला, और मैंने एक और है पड़ोसी हकीम जी, मैंने उनसे बात की तो कह रहे वाह, मैंने जब वीडियो दिखाई तो कह रहे रेशमा जी दिखता तो कुछ और है पर होता कुछ और है, और मैं बहुत लोगों को जोड़ चुका हूँ लेकिन मुझे इतना वो नहीं है। मैंने कहा सर एक बार बस काम करके देखिए, हमारा काम जोड़ने का नहीं है, हमारा काम है हेल्थी सेहत देना और लोगों को पैसा देना, हमारा बीमारी और गरीबी दो ही चीजों पे काम हो रहा है। और सर आप पहले से बीमारी दूर कर रहे हैं। बोले ईद ईद के बाद इंशाल्लाह मैं जुड़ूंगा। और उन्होंने बताया कि 1500 लोगों को कल मैंने इनवाइट किया था रोजे पे, और आपको भी करना चाह रहा था लेकिन आपने मुझे मैसेज कर दिया था, टिकट भेज दिया था, तो सॉरी इसलिए मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, और इंशाल्लाह मैं आपकी कंपनी को जरूर ज्वाइन करूंगा। तो सर मेरे अंदर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस आया है और मैं लोगों को इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी दूंगी, और मेरी कोशिश जो है वो जारी है इंशाल्लाह। तो थैंक यू सर आपका कि आपने मुझे वहां पर बोलने का मौका दिया और बुलाया और मुझे इतना नवाजा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे पता भी नहीं चला मैं 6 स्टार हो गई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और आगे बढ़ूँ, जल्दी से जल्दी सेवन बढ़ूँ, लोगों को की ट्रेनिंग तैयारी है दूँ। आपकी, सेवन की तैयारी है तो आपकी। वो तो सर सब आपके हाथ में अच्छा आपको बस आप आपको मुझे आपको हाँ बताते जाएं, करती जाऊंगी। अच्छा आपको ऐसा लगा कुछ जो लोग नहीं आए तो उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है? बहुत कुछ मिस किया उन्होंने, बहुत कुछ मिस किया सर, इतना मिस किया कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा
बिल्कुल बिल्कुल और सर मैंने मेरे जो भाई है ना कुवैत में, डॉक्टर जावेद हैं, तो उन्होंने मुझे अली ने सारी वो भेज दी, तो बोले यार वाह तुमने BMW कब खरीद ली तो मैंने कहा इंशाल्लाह ले लेंगे अगर आपका साथ रहा तो। फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी हैं अपनी, उनकी शुगर है, तो मैंने उनके लिए बात की है BCM के लिए कि मैं BCM कुवैत भेजूंगी और जिवनिमा भेजूंगी उनके लिए, क्योंकि और उनका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा अप है, उसके लिए वो खुद डॉक्टर हैं लेकिन वो अपने लिए टाइम नहीं दे पाते, तो मैंने उनको सब बताया। तो मैंने उनसे पूछा आप मुझे एड्रेस भेजो और मेरे अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए भेजो, मैं आपकी सेहत बनाती हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल भेजूंगा, बस तू मुझे लूटती जा मैंने बिल्कुल कहा ये 62 करोड़ का शरीर है और मुझे आप 1 लाख रुपया देंगे तो अभी तो बहुत कुछ रह जाएगा। तो सर वो बहुत एंजॉय से मैं अब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा। थैंक यू सर कि आपका मुझे साथ मिला और अल्लाह ताला ने आपका हाथ मेरे सर पर रखा, वो कुछ अच्छे ही काम किए होंगे जो ये सब चांस मिला है मुझे। तो थैंक यू सभी लोगों का और सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबने मुझे बहुत अच्छे से नवाजा। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है, 9:44 हो चुके हैं और हमारे साथ और काफी लीडर्स हैं। तो कुछ लीडर्स अगर आए थे कल तो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारी एक कोर और हार्ड कोर लीडर्स की एक जो है कई कमेटी बने, एक ग्रुप बने, और लीडर्स का एक जो है हार्ड कोर लीडर का एक ग्रुप बनाए हम लोग जो है ये। और ये हार्ड कोर लीडर और कोर लीडर्स बनाने का बिजनेस है। तो जितने भी 7 स्टार मेरे को सुन पा रहे हैं अपना हैंड रेज कर दें, जितने भी 7 स्टार सुन पा रहे हैं मेरे को, 7 स्टार अपना हैंड रेज कर दें जो मेरे को सुन पा रहे हैं। 7 स्टार हों, 8 स्टार हों, ब्रॉन्ज लाइन हों, लेकिन 7 स्टार से अब जितने भी सुन पा रहे हों, 7 स्टार अब जो भी सुन पा रहे हैं, 7 स्टार हों या 8 स्टार हों या ब्रॉन्ज लाइन हो, वो अपना हैंड रेज कर दें। 4 लोगों का हैंड रेज है, 5-6। कमलपाल जी, अवनीश जी, रोहदास जी, मुजाहिद तरवे जी, रीमा शर्मा जी और हमारे हरीश सर। और कोई लीडर्स आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, हो सकता है नेटवर्क नहीं हो। हमारे साथ बैजू शाह जी भी हैं, दिनेश यादव जी हैं और भी 7 स्टार लीडर, हो सकता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो वहाँ पे जो है। RD शर्मा जी वहाँ साथ आ चुके हैं, वेलकम, स्वागत है सर आपका। तो हम जो है एक चाहते हैं कि सब लोगों का एक कोर ग्रुप हो, कोर टीम हो सबके पास जो है, और जिनके पास कोर टीम होगी उनके पास बहुत बड़ा बिजनेस होगा। उनके पास जो है वो जैसा चाहते हैं वैसा बिजनेस करेंगे, क्योंकि कोर लीडर्स बनाना जरूरी है। और हमें अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करना है। हमारे अपलाइन के पास अभी 200 हार्ड कोर लीडर हैं, 200 हार्ड कोर लीडर नहीं, कोर लीडर तो बहुत सारे हैं, 500-1000 से ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास 200 हार्डकोर लीडर हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर पांडे सर फोन करें कि सर आपको सभी कोर लीडर्स को, हार्डकोर लीडर्स को आना है, लखनऊ आना है, तो हम सर के बल जाते हैं और उनको, उनके पास जो है उनकी बात को सुनते हैं कि क्या हमें नया सिखाना चाहते हैं, क्या नया बताना चाहते हैं, उनकी हर बात को सुनते हैं। तो उन्होंने हमें बताया है कि ये कोर लीडर्स बनाने का विंस है, हार्डकोर लीडर्स बनाने का विंस है, और हमें ये हार्डकोर लीडर बनाने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक 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 आपकी टीम बनाएं और उस टीम में से ही हम अपनी टीम बनाएं। तो जितने भी 7 स्टार लीडर हैं, जितने भी 7 स्टार लीडर हैं, उनको अपने दो दो या तीन तीन लोगों को, या चार चार, किसी के 7 स्टार के 4 लोग भी हो सकते हैं कोर लीडर, किसी की टीम में 2 लोग भी हो सकते हैं, किसी की टीम में 1 लोग भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो सभी 7 स्टार एंड अबव अपने कोर लीडर्स की मेरे को लिस्ट दें कि ये सब मेरे कोर लीडर्स हैं, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे फील्ड में जाना हो, चाहे जूम पे आना हो, हर तरीके से हर सिस्टम को फॉलो करते हैं। ऐसे कोर लीडर्स की, हार्ड कोर लीडर्स की हम हर फ्रेंचाइजी हमारी जितनी भी है उसमें फ़ोटो लगाएंगे, चाहे कोई फ़ोटो लगाए नहीं लगाए, मैं फ़ोटो लगाऊंगा, यहाँ से बना के भेजूंगा, चाहे वो अलीगढ़ की फ्रेंचाइजी हो आसिफ सर की, चाहे मोहसिन सर की हो, चाहे वो मेरी हो, और वहाँ पर आपका फ़ोटो सबका लगेगा। जो 50 मेरे कोर लीडर्स होंगे पूरी टीम के, 50 कोर लीडर्स और हार्ड कोर लीडर्स बनाने हैं, उसमें से कोर, कुछ हार्ड कोर होंगे, कुछ कोर लीडर्स होंगे। तो कुछ हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी लीडर्स जो है, जो 7 स्टार एंड अबव हैं, कि उनके कौन कौन से कोर और हार्ड कोर लीडर हैं जो करने को और मरने को और आगे बढ़ने को तैयार हों, वो हैंड रेज करें मेरे को जो है, 7 स्टार एंड अबव।
वो अपनी लिस्ट दे सकते हैं, 7 स्टार एंड अबव, वो मेरे को लिस्ट दे सकते हैं। और लिस्ट में भी हम थोड़ा सा उसमें फिर करेंगे कि क्या है, क्या आगे है, क्या पीछे है। और मैं एक मीटिंग रखूंगा यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर मीटिंग रखूंगा, जिसमें पांडे सर भी होंगे, हम सब होंगे, और वहाँ से आपका एक एक तरीके से उसका पहला बैच वो होगा कोर लीडर्स का, हार्ड कोर लीडर्स का, जिसमें हम अपने जो हमारे अप्लायंस हैं उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और बिजनेस ग्रो करने के लिए काम करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस तेजी से ग्रो किया जा सकता है। तो पहले हमारे हैं डॉक्टर मुजाहिद परवेज जी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम 7 स्टार जी से पूछें कि 7 स्टार के पास क्या क्या टीम है। 8 स्टार की अपने आप हो जाएगी। तो हमारे साथ पहले हैं कमलपाल जी, तो कमलपाल जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लूंगा। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। मैं आपको रिकॉर्ड बना करके व्हाट्सएप कर दूं? आवाज आ रही सर? एड्रेस तो नहीं पड़ेगी क्या? बात वेलकम कर लो। कमलपाल जी, गुड वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग वेलकम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। हम ये कह हाँ रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप रिकॉर्ड कर दूं, व्हाट्सएप बना करके। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज डबल डबल आ रही मेरे मेरे पास। भैया व्हाट्सएप बना कर रिकॉर्ड कर दे, व्हाट्सएप कर आपकी दे। आवाज, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपका ये आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ कमलपाल जी। कमलपाल जी आप नेटवर्क में आ जाइए। नेक्स्ट हैंड रेज हमारे, जी सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है इस तरफ? आ रही सर, आ रही आवाज आ रही। हम ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप रिकॉर्ड कर दे आपको बना करके। नहीं अभी बता दीजिए मेरे को, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो है। हाँ जी, एक नाम डाल दीजिए, जैसे शिव कुमार सर, जी, शिव कुमार सर। शिव कुमार जी, जी, हरिकरण सर, हैं हरिकरण, हरिकरण पाल सर। जी हरिकरण पाल जी, जी दो हैं, और शुभम सर है, हैं? शुभम, शुभम सर, शुभम सर, शुभम सर, एक है शुभम सर, शुभम शुभम जी, अगेरी। शुभम जी हो गए। और कोर जी, लीडर्स हैं तीन, ठीक है और लखनऊ। जी। जी, उसके बाद फिर उधर का मेन लेग का मामला तो तेंदुलकर सर ही है, तो उधर का रिकॉर्ड तेंदुलकर सर से ले लिया जाएगा। हरिकरण जी हैं जूम मीटिंग पे? जिसमें डाउन में 7 स्टार, हरिकरण जी जूम मीटिंग पे हैं? नहीं अभी जूम पे तो खैर नहीं है। जी शुभम जी हैं? शिव सर, जी हैं? जी सर, सर ये है कि नेटवर्क इश्यू है, तो फिर होने की वजह से हाँ, हो सकता है आपका ना नेटवर्क बार बार जा रहा है, बार जी बार जा रहा है, थोड़ा। बार बार नेटवर्क जा रहा है। तो पहले आप इनसे राय लेंगे, मशवरा लेंगे, इनसे पता करेंगे कि आप कोर में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। और जो लोग कोर में रहेंगे उनके बिजनेस को ग्रो कराने की जिम्मेदारी जी की होगी, जो 8 स्टार हैं, ब्रॉन्ज लॉयन हैं, मैं हूँ, हम जी सबकी जिम्मेदारी होगी उनके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करें और उनका तेजी से ग्रो होगा बिजनेस। तो 3 लोगों के नाम लिखाए हैं, लेकिन जो कोर ओके लीडर्स की डेफिनेशन है, जो जी हार्ड कोर लीडर डेफिनेशन है, उसको एक बार ओपन करना है, उनको बताना है कि ये आपको फॉलो करना है, तब आप कोर और हार्ड कोर लीडर्स बन सकते हैं, ठीक है ना? तो फिर इनको, फिर आपका नाम यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। हम इसमें जी वेरीफाई करेंगे, एक हफ्ते में वेरीफाई करेंगे ये क्या क्या चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, वो चीज़ें इनके अंदर हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे, इसके बाद ये कोर लीडर्स में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है सर? कमलपाल जी, देखिए ओके सर, बिजनेस को ग्रो करने का ओके बहुत बड़ा साधन है, ओके बहुत सर, ओके बड़ा एक टूल्स है, बहुत बड़ा एक माध्यम है कि हम बिजनेस को बहुत तेजी से, स्पीड से हम ग्रो करके ले जाएंगे, लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली। तब तक हम सिस्टम में आएंगे नहीं, लोगों को सिस्टम में लाएंगे नहीं, किसी भी कीमत पे हम आगे बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ सकते। तो ये कमलपाल जी थे जिनका, उन्होंने 3 लोगों का लिखवाया है कमलपाल जी ने, कि ये इनके जो है कोर लीडर्स बनना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं दिनेश यादव जी, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग दिनेश यादव जी। दिनेश यादव सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप।
दिनेश सर को आवाज नहीं पहुंच पाई शायद। रीमा जी अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। दिनेश यादव जी, यादव जी आवाज नहीं आ रही आपकी। दिनेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। रीमा जी माइक म्यूट कर सकती हैं। रीमा जी वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑडिटर्स। वेलकम, आ रही आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आपके टीम में कौन ऐसे लोग हैं, दो तीन चार, जो कि कोर लीडर्स या हार्ड कोर लीडर्स करना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर केपीएस यादव सर। केपीएस यादव तो खुद सेवन स्टार है ना, वो तो अपना खुद बताएंगे, अच्छा उनका अलग से बनाए बताएंगे। अलग से बनाएगा। अच्छा ठीक है, फिर उसी लैग से आप रक्षित शर्मा को लिख लीजिए। रक्षित शर्मा, रक्षित शर्मा भी सेवन स्टार हैं। किनका देना है? उनकी टीम से बताओ। अच्छा उनकी टीम से चलो रेखा मैं जी। रक्षित शर्मा का लिख लेता हूँ। रक्षित शर्मा जी लिख लेता हूँ मैं, हाँ जी अभी न्यू बने हैं वो। चलो कोई बात जी लिख लेता हूँ। और नेक्स्ट सर, उनकी टीम से रेखा कुमारी जी रेखा कुमारी जी, और शमशाद अली। शमशाद अली, तीन लोग। हाँ जी सर। ओके थैंक यू। तीन लोग हमारे हो गए रीमा जी के। और नेक्स्ट दिनेश यादव जी, अगर आप नेटवर्क में आ गए हो तो अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम है, स्वागत है आपका। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। नेक्स्ट हमारे साथ है इंजीनियर रोदासी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। इंजीनियर साहब वेलकम, आपका स्वागत है रोदासी। यस सर रोदा सर थैंक यू वेलकम, मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल्स, गुड मॉर्निंग गुरु जी। और मेरी टीम से चार लोग हैं। जी नंबर एक पे हैं रामभूल साहब, रामबोल जी नंबर एक पे हैं। कौन नंबर दो पे हैं प्रभाकरण साहब, प्रभाकरण है? प्रभाकरण जी। जी, वेरी गुड। नंबर तीन पे हैं राजीव कुमार, नंबर चार पे हैं श्रीमती कुसुम लता जी। नंबर तीन पे राजीव जी और नंबर चार पे कुसुम लता जी, कुसुम लता जी। चार लोग, चार लीडर्स आपके हैं, कोर और हार्डकोर लीडर, ठीक है ना? यस आज अभी हम नाम लिख रहे हैं, इसके बाद आपको जूम पे ज्वाइन कराना है अपने चार लीडर्स को। कमल यस पार्टी को तीन लोगों को जूम पे ज्वाइन कराना है और रीमा जी को आपके तीन लोगों को ज्वाइन कराना है। ये आपके जो कोर लीडर्स हैं उनको ज्वाइन कराना है और फिर उनको पता लगेगी कि डेफिनेशन क्या है कोर लीडर्स की और हार्ड कोर लीडर्स की। फिर वो डिसीजन लेंगे हमें कोर में और हार्ड कोर में जाना है या नहीं जाना है। पहले कोर में आएंगे, फिर अपलाइन डिसाइड करती है कि ये कोर से हार्ड कोर में आए हैं नहीं आए। अपलाइन डिसाइड करती है और वो खुद भी डिसाइड करते हैं अपने आप को कि हम हार्ड कोर लीडर बनना चाहते हैं। हार्ड कोर लीडर का जो एक दायरा होता है, एक जो है एक उसका डेफिनेशन होता है, उस पर वो काम करते हैं और वो हार्ड कोर लीडर बन जाते हैं। दिनेश यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो। और नहीं तो हरीश सर अपना अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम है, स्वागत है हरीश सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक जी सर, जी सर। एक बार दिनेश जी का माइक ले लेते हैं साथ में, अगर वो आ जाते जी हैं। सर का माइक अनम्यूट दिनेश किया था जी, अगर ना, आपको, आवाज याद नहीं है, बाइक वगैरह पे होंगे वो, हाँ ऐसा ही लग रहा मैं उनका हैंड डाउन कर देता हूँ बाद में। सर। हाँ सर, अगर आप आते हैं दोबारा से हैंड रेज कर लीजिएगा जी दिनेश जी। आपके कुछ लीडर्स जो के कोर लीडर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको लगता है जी जी जिम्मेदारी होगी आपको कि हम एक सेशन रखेंगे अभी जो है पांडे सर का सेशन रखेंगे कल या परसों हम जो है, जिसमें लीडर्स की डेफिनेशन क्या होती है और कोर लीडर्स की डेफिनेशन क्या होती है और हार्ड कोर लीडर्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो अपने खुद बताएंगे आपको जो है। और वो लोग सुनेंगे जिन लोगों के नाम लिखा रहे हैं आप, शिव कुमार जी, हरिकरण पाल जी, शुभम जी, रक्षित शर्मा जी, रेखा कुमारी जी, शमशाद अली जी और रामभूल जी, प्रभाकरण जी, राजीव जी, कुसुम लता जी। और इसके बाद वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कोर बनना है या हमें लीडर ही बनेगा। लीडर तो सब हैं, तो हरीश सर आप अपना नाम लिखा सकते हैं, कौन कौन लीडर्स आपके हैं जो आपकी टीम जी में। सर, जी सर, मान लो आप आपने बताइए।
जी, मैं बताता हूँ आपको। दिनेश प्रसाद यादव जी सबसे पहले, जो हाँ? कि कोर के साथ साथ हार्ड कोर भी है, दिनेश प्रसाद यादव जी। दिनेश प्रसाद यादव। हाँ जी। और नेक्स्ट है हमारे मोहम्मद हारून जी, गाजियाबाद से। हाँ मोहम्मद हारून जी। जी। और मालती जी है नेक्स्ट, मालती देवी दिल्ली से। मालती देवी जी दिल्ली है। बैजू बैजू शाह जी दिल्ली से, शाह जी। दिल्ली और कंबर से। डंबर केसी जी है दिल्ली से, केसी जी दिल्ली से। दिल्ली से। और आलम जी है गाजियाबाद, नंदराम सिंह आलमगीर जी नंदराम गाजियाबाद जी। और नेक्स्ट और हमारे जो है बच्चे कुमार जी, गाजियाबाद से, गाजियाबाद बचनेश कुमार जी। और अनिल अनिल कुमार वर्मा जी, गाजियाबाद कुमार जी गाजियाबाद। निरंजन जी सिंह जी, गाजियाबाद निरंजन सिंह जी, जी गाजियाबाद। हैं सराज अहमद, कुंवर सराज अहमद जी आगरा से, कुंवर कुंवर सराज अहमद जी आगरा से। हाँ सिराज अहमद जी हो गए। जी। और और राकेश जी हैं लखनऊ से जी। राकेश कुमार जी लखनऊ से। अभी मैं फिलहाल यही नाम लिखवाऊंगा, बाकी मैं कुछ नाम आपको फिर और देख लेता हूँ मैं ग्राफ में। तो कोर लीडर्स हैं ये, और हार्ड कोर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वो आप डिसाइड करिएगा कि हार्ड कोर लीडर कौन है, लेकिन कोर लीडर हैं जो, उनके नाम मैं आप तक पहुंचा पहले आपको इन सबको जूम पे लाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जूम है, पहला दूंगा। जो ऑप्शन है वो जूम है, जूम पे लाना है। और फिर क्या क्या इसके टेक्निक होता है वो हम एक प्रोग्राम रखेंगे जूम पर ही, जो है गुरु जी का, पांडे सर जी का, जो कि बताएंगे कि लीडर्स कौन होते हैं, कोर लीडर्स कौन होते हैं और हार्ड कोर लीडर्स होते हैं। तो ये इनका उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, उपस्थित रहना बहुत जरूरी यस सर, है। ये 11 जी सर, लीडर्स यहाँ पे लिखवाए हैं हमारे हरीश हरीश भगवान जी ने, और 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18, 21 लीडर्स की हमारे पास लिस्ट अभी आई है। 21 लीडर की जगह और कोई लीडर्स हैं लिखवाना चाहते हैं, और कोई लीडर्स कॉल पे थैंक जरूर करें। हाँ हमारे अवनीश प्रोफेसर अवनीश सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर अवनीश सर वेलकम, सर वेलकम, आप माइक अनम्यूट कर सकते हो सर। वेलकम जी सर, सर। इस्माइल जी, इस्माइल सिद्दीकी नंबर 1 इस्माइल सिद्दीकी। जी, राहुल कुमार, कृष्ण राहुल कुमार कुमार, कृष्ण है, कृष्ण कुमार, कुमार। संजय कुमार, है संजय संजय जी, संजय कुमार उपाध्याय संजय उपाध्याय जी, जी, संजय कुमार, संजय उपाध्याय जी संजय उपाध्याय जी लिखते। जी और नेक्स्ट प्रेम दत्त तिवारी पांच पर प्रेम दत्त तिवारी। जी सर। पांच लोग हो गए सर, पांच ओके सर हो गए ना। जी। ओके सर, थैंक यू। हमारे अवनीश सर के लोग हुए, सर कोई लीडर्स लिखवाना चाहते हो नाम, कोर लीडर्स और हार्ड कोर लीडर्स। ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो अपना, उनको मैं दोनों तीनों फ्रेंचाइजी पर उनका पूरा फोटो होगा वहां पर जो है, और उनके बिजनेस की जिम्मेदारी बढ़ाने की हमारी होगी, कामयाब करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उनको कोर लीडर बनना है और हार्ड कोर लीडर बनना है। तो वो और किसी के पास लिस्ट हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो अपना यहाँ पर जो है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लॉयन, कोई भी लीडर्स हो, वो सभी लीडर्स अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो बताना चाहते हो। कोई उनकी टीम में नहीं जुड़ा है तो उनको नहीं पता इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं।
उनको अपनी टीम की मालूम आते तो बता सकते हैं। मुजस्सर आवाज आ रही है? मुजस्सर आसिफ सर अलीगढ़ से आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आसिफ सर जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। आपके पास जी कोर लीडर्स की टीम है कोई? नाम लिखवाना चाहते हैं किसी सर, का देखिए बताइए। असद सर, असद अली सर और दिलशाद दिलशाद जी, सर, चंदन चंदन सर, जीतू, जीतू जी, जी सुमित, जी सुमित शर्मा, जी और प्रियंका, प्रियंका है? वर्मा और विनोद, विनोद हाँ तिवारी, विनोद विनोद तिवारी, कुमार, विनोद तिवारी जी। अच्छा, नहीं विनोद अलग है, विनोद कुमार, फैजान हाँ और फैजान, मोहम्मद फैजान, हाँ और मुकीम भाई, मुकीम, मुकीम, हाँ और फुरकान, कौन? हाँ मुझे ये बस, 10 लोग हो गए। अच्छा, हाँ सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू सर, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो भी मीटिंग होगी, हर मीटिंग में ये ज्वाइन रहेंगे, और जो बिल्कुल सर, एक्सपेक्टेशन होती है, जो क्राइटेरिया होता है कोर लीडर्स का, वो उसको इनको बिल्कुल फॉलो करना है पूरा जो है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, बिजनेस अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी सर, सारी जो है, किस तरीके से लीडर्स को काम करना है, किस तरीके से लीडर्स आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कोई लीडर लिखवाना चाहते हैं कोई? मुजस्सर आवाज़ आ रही हो आपको, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, या और कोई लीडर लिखवाना चाहते हो? अभी 28 लोग हमारे साथ हैं। सिक्स स्टार लिखवाना चाहते हो? कोई सिक्स स्टार लीडर अपना नाम लिखवाना चाहते हो? 5 स्टार लीडर को लिखवाना चाहते हो? जरूरी नहीं है कोई 7 स्टार होना जरूरी है या 6 स्टार होना जरूरी है। कोई भी लीडर्स कोर लीडर बनना चाहते हो, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी लीडर्स 28 में से अपना कोर लीडर बनना चाहते हो, अपना नाम लिखवाना चाहते हो, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ रेशमा जी, वेलकम, वेलकम, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं? जी सर, कोर लीडर में नाम लिखवाना आप ना। कोर जी सर, लीडर की डेफिनेशन पता है क्या होती है? नहीं बताया भी है ना, लेकिन नहीं बताया सर, जाएगा सब जो है। एक सेशन रखेंगे कल या परसों, जल्दी ठीक सेशन, है, इसी में सेशन रखेंगे कि लीडर्स क्या होता है, कोर लीडर्स क्या होता है और हार्ड कोर लीडर क्या होता है। ठीक है ना? ठीक है सर, जी सर, ओके, आपका नाम लिख लिया है। नेक्स्ट टाइम अनिश कुमार जी, वेलकम। मनीष सर वेलकम, स्वागत है आपका। वेरी मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग मेरा नाम मोहित कुमार है जी सर। और मेरे एक एक लीडर और है, यशपाल सिंह यशपाल सिंह, जी सर, यशपाल सिंह जी, ये कोर लीडर्स के तो आपके 2 नाम हैं, ठीक है ना? आपका अपना हो गया और यशपाल सिंह जी हो गया, ठीक है ना? थैंक सर यू वेरी मच, थैंक यू। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गगनदीप जी पंजाब से, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। वेलकम है, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही हाँ, आवाज हल्की आ रही है थोड़ी सी आपकी। सर? वैसे सर मैं भी कोऑर्डिनेटर में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं। और आपको जितने भी यहाँ नाम लिखा रहे हैं, उनको कल ही जा करके अपना फोटो खिंचवाना है, और वो फोटो 5 MB में कम से कम होना चाहिए। 5 MB का फोटो होना चाहिए आपका जो है, जो आपको लैब पे जा खिंचवाना है, एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए आपका।
जो बैच है आपका सिक्स स्टार का, सेवन स्टार का, वो लगा हुआ मुझे आपके जो है आपके सीने पर, तो आपको फोटो खिंचवाना ठीक है सर। और नेक्स्ट हमारे साथ अभी शिवा फरीन जी, डॉक्टर शिवा फरीन जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग, आप अपना माइक। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम जी, हमें भी नाम लिखवाना है अमन और शिवा फरीन। फोर लीडर में किनका और किनका है जी? सभी अमन, सभी अमन, सभी अमन जी, सभी अमन। और कोर लीडर्स की, हार्ड कोर लीडर्स की क्या डेफिनेशन है अभी आपको नहीं बताया है ना, अभी पता नहीं है, लेकिन हम प्रोग्राम करेंगे अभी जो है आज में या कल में, ठीक है ना। आपको उसको जरूर ज्वाइन करना है, जब भी आपको कोर लीडर्स की मीटिंग होगी या ये 9:30 की जो सेशन है इसमें जुड़े रहना है, और आप जुड़ रहे हैं लगातार तो कुछ सीखने का भी मौका आपको मिल रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से जी। तो थैंक यू वेरी मच जी सर, आपका नाम हमने लिया है, और हमारे साथ नाम 3 और 3 6 और 4 10 और 10 और 11 हो गए हमारे 21 21 और 5 26 26 और 10 से 46 47 48 49 50 51 52 दो नाम हमारे पास और ज्यादा एक्स्ट्रा आ गए कोर लीडर्स के जो है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जुड़े नहीं है, ये 100 को क्रॉस करेगी हमारी कोर लीडर्स की टीम जो है, और बहुत अच्छा होगा कि मैं 200 की 500 की कोर लीडर्स टीम बनाऊँ धीरे धीरे करके जो है, लेकिन समय ज्यादा हो गया, समय इजाजत नहीं दे रहा हमको, 10:09 हो चुके हैं, तो हम आपसे इजाजत देते हैं और हम बेस्ट विशेष लेंगे हमारे जय साहब रोहदास जी, वो हमें बेस्ट विशेष देंगे हमारे थैंक यू अभी है नहीं है, तो हम जय साहब को अपना आज क्लोजिंग कराते हैं। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सर पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आप दिल्ली के एक इतने बड़े सेमिनार के अंदर आप सभी ने प्रतिभाग किया, और जिस तरीके से आप सबने बताया कि आप सबको बहुत अच्छा लगा, हमारा पहला प्रयास था यहाँ पर, और जैसे जैसे आगे नया प्रोग्राम दिल्ली के अंदर होगा इससे बहुत अव्वल किस्म का होगा, और खाने की वैरायटियां भी वहां पर आपको कुछ ज्यादा मिलेंगी, और जो प्रोग्राम होगा भव्य होगा उस तरीके से, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपका अलीगढ़ है, आपके जो आसपास के जो शहर हैं, कस्बे हैं, हम उन तक पहुंचे, क्योंकि जितना हम पास के कस्बे और पास के शहरों में अपनी सेमिनार लाइव हम जब आंख से आंख मिला करके हम एक लीडर से बात करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है वेबिनार और जूम की अलावा, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी को, और सभी ने अपनी एक कोर टीम यहाँ पर कोर टीम जो है बनाने की कोशिश की, और कोर टीम का एक प्रोग्राम हमारे जो गुरु हैं महागुरु हैं उनके बीच रहेगा, उनके द्वारा हम जानेंगे, हो सकता है कल या परसों में ही उनका सेशन यहाँ लगने वाला है, तो बहुत अच्छा, और समय हो गया यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी पूरी तमन्नता के साथ में और पूरे मन के साथ और धन के साथ इस सिस्टम में आप आएंगे और टीम को अपने साथ शामिल करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्माइल दे सकते हैं, और इसमें बीच में हमारे अभी ज्योति मसीह जी कुछ कहना चाहती थी, टाइम तो ज्यादा हो गया है, ज्योति मैम वेलकम, ज्योति मैम, ज्योति मैम नाम लिखाना चाहती हूँ लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कह रही थी सर, अभी आप जो कोर लीडर की बात कर रहे हैं सर, मैं मीटिंग में सर बीच में 3 बार डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ा नेटवर्क इशू था तो इसलिए जुड़ नहीं पा रही थी, तो मैंने पूरा सुना नहीं था सर आज का सेशन, ना ज्वाइन तो मैंने कर लिया था तो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर रही हूँ। जो लोग कोर टीम में आना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाएं, उनका फ्रेंचाइजी फोटो लगेगा हर फ्रेंचाइजी पे। जी जी, आपका नाम मैं लिख दिया तो सर, अगर मैं मेरे में जी, थैंक यू सर, थैंक यू, वो सब पता लग जाएगा जितने भी लीडर जुड़ेंगे जिन्होंने नाम लिखवाया है,
सब लोग जुड़ेंगे और सब लोग अपने सुनेंगे कि क्या क्या क्वालिटी होती है ठीक है, इसके अंदर कोर के अंदर हार्ड कोर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच जी। जाय सर अपना चेहरा दिखा सकते हैं, मुस्कुराता हुआ दिखाई नहीं दे रहे मेरे को भैया, उनका नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, स्लो है। तो थैंक यू वेरी मच, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ 100 हेल्दी लाइफ इश्यू सक्सेस गो आईडी। थैंक यू ऑल लीडर्स।